और आप छठ महापर्व की बात करते हैं। देश भर में छठ महापर्व की रौनक दिखनी शुरू हो गई है। आज छठ महापर्व का तीसरा और प्रमुख दिन है। शाम पर घाटों पर पूजा होने के साथ ही डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा की, जहां पर छठ पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो आज देश भर में छठ महापर्व मनाया जा रहा है, दूसरा दिन है। आज देश भर की जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, एक लखनऊ की है जहां पर गोमती घाट को सजाया गया है, क्योंकि आज शाम को काफ़ी भीड़ यहां पर एकत्र होने वाली है। छठ पूजा करने के लिए लोग काफ़ी संख्या में यहां पर पहुंचेंगे, तो उसको देखते हुए घाटों को सजाया गया है। गोमती की सफाई भी की गई है और घाटों पर रौनक दिखनी भी शुरू हो गई है। और ये तीसरी तस्वीर अयोध्या के सरयू घाट की आपको दिखा रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या की तस्वीरें हैं, वहां पर भी घाटों को सजाया गया है, क्योंकि आज छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में काफी संख्या में लोग आज शाम को घाट पर पहुंचेंगे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। और लखनऊ में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज गोमती के घाटों पर लाखों लोग डूबते हुए सूर्य की उपासना करेंगे और पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे। आज आस्था का महापर्व छठ है और लक्ष्मण मेला मैदान में गोमती तट पर रंग बिरंगी वेदियां बता रही हैं कि लखनऊ के लोग भी छठ का पर्व मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, रंग बिरंगी वेदियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बहुत सी वेदियां बन चुकी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी वेदियों का निर्माण कर रहे हैं। तो आज दोपहर से ही यहां पर हजारों लोगों की भीड़ जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए, प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है। साफ़ सफाई इस वक्त पूरे जोरों शोरों से चल रही है। नगर निगम का अमला यहाँ पर आया हुआ है, तमाम व्यवस्था को दुरुस्त कर रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग आए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि ये पूरा घाट जो है शाम को या दोपहर से ही श्रद्धालुओं से भर जाएगा और यहाँ पर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, पंडाल लगाया गया है जहाँ पर भोजपुरी जगत के तमाम सितारे यहां पर इकट्ठा होंगे। आयोजकों का कहना है कि 2 दर्जन से ज़्यादा भोजपुरी सिंगर यहां पर आएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। यूपी सरकार के 2 दर्जन से ज़्यादा मंत्री यहां मौजूद रहेंगे और संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस छठ के महापर्व में शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि तैयारियाँ यहाँ पूरी ज़ोर शोर से की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छठ पर यूपी सरकार ने अब सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा कर दी है। तो लखनऊ में भी छठ जो है हर साल बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है और पूरी संभावना है कि आज भी पूरा लखनऊ छठ के इस महापर्व में शामिल होगा और यहां पर शाम को अपार भीड़ देखने को मिलेगी। वीडियो इंसफुलेशन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। और देश भर में किस तरह से छठ की तैयारियां चल रही हैं वो तस्वीर दिखाने के लिए हमारे 3 सहयोगी वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, नोएडा से अमित और लखनऊ से अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल, आप ही का रुख करते हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से गोमती नदी की सफाई की जा रही थी, घाटों को सजाया जा रहा था, अब कुछ ही वक्त बचा है, शाम को भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी गोमती घाट पर। बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो पिछले 10 दिनों से चल रही थी। आस्था का महापर्व है तो जनसैलाब भी उमड़ रहा है और लोगों का आने का जो सिलसिला है वो प्रारंभ हो चुका है। तो ये देखिए, तमाम घाटों पर महिलाएं पहले से ही एकत्र हो गई हैं और जो वेदियां बनाई गई हैं उनके पास अपनी वो पूजन सामग्री रख रही हैं। तो देखिए, पूरा घाट आपको अभी धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा, भीड़ अभी से दिख रही है यहाँ पर। और ये तमाम महिलाएं जो पूर्वांचल की हैं, बहुत से इसमें बिहार के अलग अलग जिलों की हैं। और ये देखिए, यहाँ पर अपना ये प्राकृतिक पूजन का उत्सव है, तो इसमें जो पूजन सामग्री होती है वो भी प्रकृति से जुड़ी हुई होती है। देखिए, इसमें फल और तमाम जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, सिंघाड़े हैं, क्या क्या लाई हैं आप इसमें पूजा के लिए? आज सेब है, अमरूद है, ठकुआ है, पूड़ी है, नींबू है, गन्ना है और सब कुछ है। जगह कम पड़ जाती है, फल फ्रूट्स कहाँ पर रखा जाए। ठीक है अनिल, तस्वीरें बता रही कि लोगों में कितना उत्साह है छठ का, छठ पूजा को लेकर, और लोगों की भीड़ भी घाटों पर अब दिखने लगी है। फिलहाल सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, वाराणसी में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, घाटों को किस तरह से सजाया गया है और घाटों पर इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, किस तरह से रौनक देख रहे हैं आप?
देखिए भगवान शिव की नगरी में इस समय भगवान भास्कर की आराधना हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वाराणसी का ये 80 घाट है जहां से अर्धचंद्राकार पूरी तरीके से 84 घाट नजर आते हैं और हर एक घाट पर इस समय छठ महापर्व की रौनक दिखाई दे रही है। लोग लगातार छठ व्रत के तीसरा दिन है उसमें भगवान भास्कर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है उसके लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। वेदियां सजाई गई है पर चूंकि इस बार गंगा का पानी काफ़ी दिनों तक बढ़ा हुआ था, अभी एक हफ्ते पहले तक भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था, इसलिए जो सिल्ट है वो पूरी तरीके से नहीं हट पाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक जो मिट्टी का अंबार है वो गंगा घाट पर जरूर दिख रहा है पर इसका कोई भी असर आस्था से लेना देना नहीं है। आस्था लगातार बढ़ती जा रही है और इस समय लोगों का एक हुजूम जो है वो लगातार वाराणसी के 84 घाटों पर लोग छठ व्रत के लिए पहुंच रहे हैं। जो दौरा होता है जिसमें प्रसाद होते हैं, ठेकुआ होते हैं, फल होते हैं, उसे लेकर के लगातार लोग गंगा घाट का रुख कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे वो समय नजदीक आ रहा है जब भगवान भास्कर गंगा घाटों पर और जुटना शुरू हो गई है। तैयारियां काफी लंबे समय से चल रही थी, गंगा घाटों को सजाया जा रहा था। नोएडा को रुख करते हैं, नोएडा से हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीर देख रहे हैं आप नोएडा में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और तैयारियों की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जो घाट है ये घाट नोएडा स्टेडियम में बनाया गया और यहाँ पर तमाम स्टेडियम के आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब आकर यहीं पर जो पूजा विधि विधान से पूरी तरीके से करेंगे और इस स्टेडियम की क्षमता इतनी है कि यहाँ पर हज़ारों लोग आकर पूजा कर सकते हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं, कुछ लोग भी यहाँ पहले से ही आ गए हैं और आकर अपना पूजा में यूज होने वाली तमाम सामग्री हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये पूजा करने के लिए लोग बैठे भी हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए किस तरीके से पूजा करेंगे और क्या क्या चीज़ें आप लेकर आए हैं? सामान तो बहुत चीज़ आते हैं, सामान की तो गिनती नहीं है, जितने चीज़ डालते उतने चीज़ कम होते हैं, ये सब होते हैं। जैसे एक बेटी की विदाई में जितने चीज़ दो जितने चीज़ करो उतने कम पड़ते, उतने छठी मैया के व्रत में ही है उसी तरीका से। ठीक है अमित, हाँ ठीक है अमित। मानवेंद्र का रुख कर लेते हैं, मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। मानवेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं? आपके पीछे तो काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, हम आपको सीधे जो न्यूज़ स्टेट के दर्शक हैं उनको संगम तट पर छठ की छठा दिखाते हैं और 3 किलोमीटर के घाट पर आपको ये इसी तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार देर तक बारिश हुई, ज़मीन थोड़ा सा जो गंगा के किनारे की ज़मीन है वो थोड़ा सा दलदली है लेकिन उसके बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा। आप देखें तो पूरे उत्साह के साथ पूरे परिवार के साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं छठ का पर्व मनाने के लिए। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। जी ये बताएं कि किस तरह से मना रही हैं इस बार छठ का पर्व आप? हम लोग गुवाहाटी से आए हैं, आसाम से आए हैं मनाने के लिए। जी छठ मनाने आए हैं, हम 32 साल से हम छठ कर रहे हैं। क्या खास है छठ में इस बार? छठ का महिमा, हम लोग इस बार संगम पे मना रहे हैं छठ, ये सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए। संगम पे छठ मना रही हैं ये बता रही हैं कि ये खास बात है। तो अगर आप पूरे इस घाट को देखें तो जहां तक नजर जाएगी लोग इसी तरह से अपनी जो पूजा की वेदी है उसको बना। ठीक है मानवेंद्र, संगम नगरी है क्योंकि प्रयागराज वहां पर गंगा का संगम होता है, इसलिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं छठ का पर्व मनाने के लिए। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम हर तस्वीर दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, यहाँ पर फौरन हाजिर होते हैं।